सिवान से बड़ी खबर, जहां पर सिवान नगर थाना इलाके के जेपी चौक के पास रिबॉक शोरूम के नजदीक आग लगने से अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया है। हालांकि यह आग शॉर्ट सर्किट से लगने का बताया जा रहा है और इस आग से किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है और ना ही कोई बड़ा नुकसान हुआ है। तो सिवान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जेपी चौक के समीप रिबॉक शोरूम के पास शॉर्ट सर्किट से आग लगी है और आग लगने का जो कारण है वो शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है, लेकिन किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई है और भारी नुकसान होने से बचा है। कुछ देर के लिए जेपी चौक के आसपास अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था, लोग भागने लगे थे, लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये आग कैसे लगी है और क्या हो गया है। तो आपको सिवान के जेपी चौक से आपको हम दिखा रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी थी, जिसको लेकर कुछ देर के लिए अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है और किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई है और ना ही किसी प्रकार का नुकसान हुआ है। आप बिजली का शॉर्ट सर्किट हो रहा था, तार में आग लगा था और तुरंत नजर पड़ गई उस पर, तार काट दिया गया है और बिजली वाले को सूचना दी गई है कि हटा से ग्राम है और इसको देख रहे। कोई क्षति किसी को? अभी कोई किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई, अगर होती तो बहुत बड़ी क्षति होती। कम से कम सामने 50 पेट्रोल वाले वाहन लगे हुए थे, बहुत सारे लोग यहाँ खड़े थे, अगर जलता तो सब सैकड़ों दुकान जल जाती। अभी वीडियो शॉर्ट आ गया है। अच्छा, कोई अभी लाइन पड़ी है? कैसे शॉर्ट लगा है कुछ पता चला है? जहाँ जब मांग रहा है बाहर छोटा होगा। कुछ क्षति नहीं ना हुई? ना कुछ सूचना दे दिया गया अभी।